दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनने जा रहे आईटीबीपी के कोविड 19 केयर सेंटर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कब तक ये शुरू होगा आईटीबीपी का सेंटर, इसको लेकर आईटीबीपी के पीआरओ से बात की है हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। और जहां दिल्ली में बेड्स की कमी हो रही है, वहीं दूसरी ओर राधा स्वामी सत्संग व्यास में एक बार फिर से आईटीबीपी का कोविड सेंटर शुरू होने जा रहा है। कैसी चल रही है तैयारियां, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी। सर ये बताइए थोड़ा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बड़ा कियोस मचा हुआ है, हर आदमी ये सोचना जानना चाहता है कि कहां पर बेड मिल रहा है, तो आईटीबीपी के सेंटर के बारे में बताइए कि कब तक ये शुरू हो जाएगा। ये परसों शाम को ही गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें कि कहा गया कि आईटीबीपी को वहाँ 500 बेड्स के लिए जो मेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है वो मुहैया कराना है। आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार भी हमने यहाँ पर एक सेंटर चलाया था और ये करीब 7.5 महीने तक चला था। लगभग 12,000 लोगों को यहाँ ट्रीट किया गया था जो माइल्ड सिम्टम्स कोविड-19 के थे। इस बार स्थिति थोड़ी सी विकट है और ज़्यादातर लोगों को तब भर्ती किया जा रहा है जब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये धारणा है हमारी कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनको ऑक्सीजन सपोर्ट में हमको रखना होगा। फिलहाल वहाँ पर जो बेड्स लगाने की और एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक पूरी कर ली गई है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो हमको एक आध दिन में वो पूरा फैसिलिटी रेडी करके दे देगा। कई सारी मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, हमारा जो स्टाफ है मेडिकल का और पैरामेडिकल का जो लगभग हम लोग 150 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 50 के आसपास डॉक्टर्स हैं और 120 से ज़्यादा पैरामेडिकल का और नर्सिंग का स्टाफ है, ये सारे लोग आज पहुँच जाने चाहिए शाम तक। और कल ये सारा एक ड्राई रन करके एक बार पूरा एक सिस्टम चला के, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी रह जाए, और हो सकता है सोमवार से शुरू कर दिया जाए, लेकिन इसमें जिला प्रशासन का भी काफ़ी सपोर्ट चाहिए हमको, इसलिए हम ये आशा कर रहे हैं कि हम सोमवार तक इसको शुरू कर लें। सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अस्पताल चल रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का बड़ा क्राइसिस बना हुआ है, लगातार रेल से हवाई जहाज से लगातार भारत सरकार और सरकारें लगी हुई हैं, इस सेंटर के लिए ऑक्सीजन का क्या इंतज़ाम किया है? देखिए फिलहाल अभी तो पिछली बार भी कुछ ऑक्सीजन बेड्स थे यहाँ पे 10% के आसपास, तो हम लोग जो हमारा जो अरेंजमेंट था वो पूरा अरेंजमेंट था जो बेस्ड था जो पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं, जो बिग साइज़ के भी थे पोर्टेबल्स भी थे। फिलहाल वो सारी स्थिति अभी भी वहाँ बनी हुई है, स्टोर्स हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ शायद एक प्लांट भी ऑक्सीजन का लगेगा जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी और बार बार जो है आप आश्रित नहीं रहेंगे सप्लाईज़ के, वो वहीं लोकली जनरेट करके बना के प्लांट के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा। और अगर स्थितियां ऐसी रहीं तो ये महीनों तक चलाना पड़ सकता है सेंटर, तो वैसे में बेहतर तो यही होता है कि वहाँ एक प्लांट लग जाए। दोनों ही परिस्थितियाँ हैं, दोनों ही सुविधाएँ सहूलियतें वहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि अब कोई ऑक्सीजन की वहाँ ऐसा दिक्कत नहीं होगी। जितने भी बेड्स हम लगाएंगे उनको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल कितने बेड का ये शुरू हो रहा है, एक तो ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए, और दूसरा ये बताइए कि इसे कितने बेड तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए अभी 500 बेड्स फिलहाल कहा गया है, जो फर्स्ट रिक्विजिशन है उसमें ये 1,000-1,500 हो सकता है 2,500 तक भी जाए शुरू में, और अगर स्थितियाँ ऐसी बनी रहीं और प्रेशर रहा और अगर इंफ्रा ने अलाउ करा हमको तो ये 5,000 बेड्स पर भी जा सकता है, तो ये भी भविष्य के गर्त में मैं कहूँगा, लेकिन जैसी आवश्यकता होगी जैसी संभावनाएं बनेंगी हम उस पर काम करेंगे और हमारा जो स्टाफ है वो सेवा करेगा लोगों का, हम बढ़ा देंगे बेड नंबर ऑफ बेड्स जैसा भी हमको आदेश होगा वैसा कर लेंगे। आखिरी सवाल, तो सोमवार से ये मान के चलें दिल्ली वाले कि शुरू हो जाएगा? मोस्ट लाइकली संभावना यही है, बिकॉज ये मल्टी एजेंसी और जिला प्रशासन का और बाकी भी कई सारे इसमें तत्व जुड़े हुए हैं, सबका सहयोग अपरिहार्य है। हमारी तरफ से तो हम कल भी शुरू कर दें, आईटीबीपी की टीम पूरी तरह से तैयार है, डिपेंड करता है कि प्रशासन जब भी हमको वो दे दे हमको सारा कुछ तैयार करके एक सिस्टम के साथ, हम उसको शुरू कर लेंगे। और जो भी तरीका होगा इसमें एडमिशन का, फिलहाल तो जैसे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर के माध्यम से अलग अलग हॉस्पिटल से पूल करके यहाँ पर पिछली बार पेशेंट्स आते थे, कल तक इस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही सहूलियत से बहुत ही आसानी से एडमिशन्स होगा, उस पर भी बात चल रही है कि इसको कैसे करना है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इस वक्त जो बेड्स के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उस हाहाकार के इस मेगा कोविड सेंटर के शुरू होने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये कियोस ख़त्म हो जाएगा और लोगों को आसानी से बेड मिल पाएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।